जो भी तकनीकी है वो यूरोप और अमेरिका में ही है या वहीं से आई है, भारत में कोई तकनीकी उपलब्ध नहीं रही है। ये भाव हमारे मन में इतना गहरा है कि इससे हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर और चतुर्थ क्लास कर्मचारी तक खून में घुस गया है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे बहुत दुख हुआ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान दिया। लगभग इस बात को एक साल होने जा रहा है। ये व्याख्यान उन्होंने दिया, संदर्भ ये था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि दी, ऑनरेरी डॉक्टरेट। आप जानते हैं दो तरह के डॉक्टरेट होते हैं, एक तो आप खुद करें रिसर्च पीएचडी और एक कोई यूनिवर्सिटी आपको दे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऑनरेरी डॉक्टरेट दिया। उसका एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ लंदन में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैंपस में। उस फंक्शन में डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे डिग्री लेने के लिए और अंग्रेजी सरकार के सभी मंत्री, प्रधानमंत्री और उनकी जो राष्ट्रपति है ना, रानी मानी जाती है, वो सब मंच पर बैठे हुए थे। इंग्लैंड में एक परंपरा है कि जिस कार्यक्रम में रानी आती है, क्वीन, उसका स्थान हमेशा ऊंचा रहता है और बाकी सभी मंत्री प्रधानमंत्री थोड़ा नीचे रहते हैं, तो उसका जो पोडियम होता है वो थोड़ा ऊंचा होता है। तो उस दिन ऐसा ही हुआ, रानी तो बहुत ऊंचे बैठी थी, बाकी सभी मंत्री थे, उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री भी बैठे हुए थे। तो जब डिग्री देने का कार्यक्रम हुआ तो मनमोहन सिंह को बुलाया गया, उन्होंने डिग्री लिया और रानी के चरणों में प्रणाम किया। ये देखकर मुझे बहुत धक्का लगा, बहुत ही ज्यादा लगा। धक्का क्यों लगा? एक तो सबसे बड़ा धक्का ये लगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर खाली डॉक्टर मनमोहन सिंह होते किसी स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर तो धक्का लगने की बात नहीं है कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंग्लैंड की रानी के सामने झुक रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, उनके प्रति अपना भाव व्यक्त करना है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से वो वहां गए थे और उन्होंने जिस तरह से झुककर प्रणाम किया, बीबीसी पर मैंने देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। दूसरा दुख उससे भी ज्यादा ये हुआ कि उन्होंने 40 मिनट का एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो भारत में आए। यहीं से उनकी शुरुआत हुई, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो भारत में आए, अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते तो भारत कुछ भी नहीं होता। फिर आगे उन्होंने बोला कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारत में आकर विज्ञान और तकनीकी हमको दिया, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारत को अंग्रेजी भाषा सिखाई, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर न्याय पद्धति दी, जुडिशियल सिस्टम, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि अंग्रेजों ने भारतवासियों को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन माने ये जो प्रशासन है पूरा का पूरा, पुलिस होती है, एसएसपी होते हैं, आईजी, डीआईजी, डिप्टी कलेक्टर, डीएम वगैरह वगैरह, ये सब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो कह रहे थे कि हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारत को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया और हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो 200 साल भारत में रहे और कुछ ना कुछ हमारे लिए करते रहे। फिर आगे वो बोलने लगे कि अंग्रेजों ने भारत को रेल दिया, अंग्रेजों ने भारत को पोस्ट एंड टेलीग्राफ दिया, आदि आदि आदि। 40 मिनट यही गाना वो गाते रहे और मैं ध्यान से उसको सुनता रहा और पूरा मैंने उसको रिकॉर्ड किया क्योंकि ये डायरेक्ट टेलीकास्ट था बीबीसी पर। फिर उसके बाद मैंने मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा और वो पत्र लगभग 250 पन्ने का हो गया, माने पत्र नहीं वो किताब हो गई पूरी। और उसमें मैंने लिखा ये कि हमें बहुत शर्म है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। यहीं से ही मैंने शुरुआत की, पहला वाक्य ये कि हमें बहुत शर्म है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं जो आजादी मिलने के 59 साल के बाद भी अपनी मानसिक गुलामी को दूर नहीं कर पाए। हमें बहुत शर्म है कि आपने अंग्रेजों की रानी के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कागज का एक टुकड़ा लिया है जिसका कोई अर्थ नहीं। ये जो ऑनररी डॉक्टरेट होती है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता है, आप इसे कभी भी एनकैश नहीं करा सकते। जैसे किसी को ऑनररी डॉक्टरेट मिल जाए और आपके कॉलेज में वो कहे अब मुझे प्रोफेसर बना दो क्योंकि डॉक्टरेट मिल गई है, तो वो प्रोफेसर नहीं बन सकता,
उसको प्रोफेसरशिप चाहिए तो दूसरा ही डॉक्टरेट करना पड़ता है जिसको पीएचडी कहते हैं। कोई यूनिवर्सिटी उसको मान्यता नहीं देती। बस इतना ही है कि झूठ मूठ का नाम के सामने आप डॉक्टर लगा सकते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो मैंने कहा कि इस झूठ मूठ के कागज के टुकड़े का कोई महत्व तो नहीं है, ना भारत में ना दुनिया में। ये ठीक है कि आपने अंग्रेजों की सरकार के द्वारा किए गए इस फैसले को स्वीकार किया, सच्चे भारतवासी को तो ये छोड़ देना चाहिए था। फिर मैंने उसमें एक वाक्य लिखा कि एक है आप सरदार मनमोहन सिंह और एक सरदार हुआ भगत सिंह, एक आप हैं सरदार मनमोहन सिंह और एक सरदार हुआ ऊधम सिंह, हम किसकी वंदना करें, प्रश्न चिन्ह लगा के मैंने। फिर मैंने अंतिम पैराग्राफ में लिखा कि ये पत्र मैं आपको भेज रहा हूं, इसके साथ 249 पन्ने और भेज रहा हूं। पत्र तो एक ही पन्ने का है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत की शिक्षा क्या थी, तकनीकी कैसी थी, विज्ञान कैसा था, ज्ञान कितना था, व्यापार कैसा था, उद्योग कैसे चलते थे, समाज व्यवस्था कैसी थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और अंग्रेजों के आने के पहले के भारत की तस्वीर कैसी थी। और मैंने कहा उम्मीद करता हूं कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, और न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के बीच में सर्कुलेट करेंगे ताकि उनके मन से ये भ्रम निकल जाए कि जो कुछ दिया भारत को वो अंग्रेजों ने दिया, भारत के पास अपना कुछ भी नहीं था। ये पत्र जब गया उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी गए, मोटा सा पुलिंदा, तो उनका एक पत्र आया और उनके सेक्रेटरी ने लिखा कि आपका पत्र मिला, कार्यवाही के लिए भेजा गया। अब कार्यवाही क्या उस पर? मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल में सर्कुलेट कर दीजिए, तो शायद उन्होंने किया होगा। उसके बाद दूसरा कोई पत्र उनके यहां से नहीं आया। मैंने एक फॉलो अप लेटर लिखा कि आप या तो इन दस्तावेजों को नकारिए और या इसको स्वीकार करिए, बीच की स्थिति आपकी मैं रहने नहीं दूंगा। या तो कहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, हम इनको नहीं मानते, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में इनको सिद्ध कर सकता हूं कि ये सही है कि गलत है, और या आप कहिए कि आपने जो भाषण दिया था ऑक्सफोर्ड में वो गलत था, और पूरे देश से माफी मांगिए कि मैंने भारत की बेइज्जती कराई ऑक्सफोर्ड में जाकर। मुझे इससे भी ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि लंदन में जब इनका ये भाषण हो गया, अगले दिन सभी अखबारों में छपा। लंदन से बहुत अखबार निकलते हैं, उनमें से एक है लंदन टाइम्स, उसने एडिटोरियल लिखा। दूसरा एक अखबार निकलता है गार्जियन, उसने भी एडिटोरियल लिखा। दोनों ने लिखा कि हमारे देश के एक नेता ने सन 1945 में भारत के बारे में कहा था कि ये भारत आजाद होने लायक देश नहीं है, और ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उस समय बहस चल रही थी कि भारत को आजाद किया जाए कि न किया जाए, तो विंस्टन चर्चिल इस फेवर में था कि भारत को आजादी ना दी जाए, और क्लेमेंट आर एटली उस समय प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, वो इस फेवर में था कि भारत को आजाद कर दिया जाए। तो चर्चिल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दिया और कहा कि भारत आजाद होने लायक देश नहीं है, क्योंकि इस भारत देश को हम आजादी देंगे तो फिर जो लोग भारत को चलाएंगे वो सब मानसिकता में अंग्रेज हैं, शरीर से दिखने में वो भारतीय हैं लेकिन आत्मा उनकी अंग्रेजियत वाली हो चुकी है, इसलिए ये बार बार अपने ही लोगों का अपमान कराएंगे, तो अच्छा है कि इसको गुलामी रहने दो। और ये बात गार्जियन ने लिखी, लंदन टाइम्स ने लिखी और कहा कि आज भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1945 के विंस्टन चर्चिल के स्टेटमेंट को सत्य साबित किया है कि भारत के शासक अभी भी मानसिक रूप से गुलाम है। ये जो मानसिक गुलामी है, अपने बारे में गलत सोचने की, अपने को उल्टा मानने की, छोटा मानने की, हम कुछ भी नहीं है, हमारी काबिलियत नहीं है, हमारे अंदर इंटेलिजेंसी नहीं है, हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़े हैं, दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई है, ये एक तरह की भावना है जिसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है अंग्रेजी। ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डॉक्टर मनमोहन सिंह में है ऐसा नहीं है, हर पढ़े लिखे आज के हिंदुस्तानी में ये दिखाई देता है। मनमोहन सिंह से पहले भी कई प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं जिनमें ये जबरदस्त था, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हमारे पहले ही प्रधानमंत्री नेहरू जी कहा करते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी तो सब यूरोप में है, भारत में सीखने लायक तो कुछ भी नहीं है।
तो ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आजादी के बाद से पंडित नेहरू के जमाने से चल के आज मनमोहन सिंह तक पहुंचा है। और मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आजादी के 60वें साल के बाद भी हम भारत के बारे में जानते नहीं हैं कि अंग्रेजों से पहले का भारत कैसा था। आज का व्याख्यान मैं आप विद्यार्थियों के सामने इसलिए दे रहा हूं कम से कम आपके दिमाग से ये इंफीरियोरिटी निकल जाए कि भारत अंग्रेजों के पहले बहुत गरीब, पिछड़ा हुआ और खराब देश था। मैंने जो दस्तावेज डॉक्टर मनमोहन सिंह को भेजे हैं उन्हीं में से कुछ आपको भी बताऊंगा। दुर्भाग्य आज मेरा यह है कि यहाँ LCD प्रोजेक्टर नहीं है, नहीं तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता वो डॉक्यूमेंट्स। हमारे भारत देश के बारे में पिछले 10-15 वर्षों से मैं कुछ दस्तावेज इकट्ठे कर रहा हूँ। मेरे एक बहुत बड़े गुरु हैं, उनका नाम है श्री धर्मपाल, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनकी मदद से ये काम मैं कर रहा हूँ। और वो मुझे बार बार ये कहते हैं कि भारत की जो नई पीढ़ी है इसके मन से मानसिक गुलामी निकालो तो भारत अपने आप ऊपर आ जाएगा। वो ये कहते हैं कि भारत में किसी चीज की कमी नहीं है, ना तो यहाँ संसाधनों की कमी है, ना तो यहाँ ज्ञान की कमी है, ना तो यहाँ के लोग मेहनती नहीं है, मेहनती बहुत है, संसाधनों भरपूर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उसका कारण क्या है, वो अंग्रेजों की दी हुई मानसिक गुलामी अभी तक चल के आ रही है। मैं आपको भारत के एक वैज्ञानिक के कथन से आज का व्याख्यान शुरू करता हूं। आपको मालूम है इस देश में एक महान वैज्ञानिक हुए प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस, जिनको यूरोप ने बहुत साल के बाद नोबेल पुरस्कार के लायक माना। आप जानते हैं उनकी रिसर्च कितनी बड़ी है, उनकी रिसर्च के बारे में सारी दुनिया कहती है कि अगर प्रोफेसर बोस ने हमको ये नहीं समझाया होता तो कोई दुनिया में ये मानता नहीं था, जानता भी नहीं था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, ये भी हंसते और रोते हैं, इनको भी दर्द होता है, इनमें भी दया, प्रेम, करुणा और मोहब्बत होती है, ये उन्होंने सिद्ध किया था। और उसके लिए ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे। उनकी इसी खोज पर वर्षों बाद यूरोप के लोगों ने और वैज्ञानिकों ने मिलकर उनको नोबेल पुरस्कार देने की बात कही थी। उन्होंने जब नोबेल पुरस्कार लिया था उसके पहले उन्होंने बहुत कुछ लिखा था अपने प्रयोगों के बारे में। उनकी लिखी हुई 2-3 पुस्तकें मुझे पढ़ने का मौका मिला है और उनके लिखे हुए लेख तो मैंने सभी पढ़े हैं बार बार। मेरे अपने फाइल में, मेरे अपने कलेक्शन में उनके सभी आर्टिकल्स हैं। तो एक जगह वो लिख रहे हैं कि मैं जब ये प्रयोग कर रहा था कि पौधों में जान होती है या नहीं, तो उन्होंने क्या किया था, अपने घर में 2 हिस्से किए थे। एक हिस्से में कुछ ऐसे पौधे रख दिए थे उन्होंने जिनको वो रोज सवेरे ही उठकर गालियां देते थे, और एक हिस्से में उन्होंने ऐसे पौधे रखे थे जिनको रोज सवेरे उठकर वो एप्रिशिएट करते थे, उनका गुणगान करते थे। कुछ पौधे एक तरफ जिनको वो बोलते थे तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बहुत काबिलियत है, तुम में बहुत सारे गुण हैं, तुम्हारे इतने इतने गुण हैं, ये मैं जानता हूं, तुम भगवान के दूत हो, ऐसी अच्छी अच्छी बातें उनके सामने बोलते थे रोज। और दूसरी तरफ के कुछ पौधे थे उनको बोलते थे तुम निकम्मे हो, नालायक हो, नकारा हो, तुम्हारा रंग अच्छा नहीं है, तुम्हारी सूरत भी अच्छी नहीं है, तुम्हारी खुशबू बहुत खराब है, तुम में कोई गुण नहीं है, दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हुए हैं, रोज बोलते थे रोज। फिर उन्होंने देखा कि 6 महीने में उसका अंतर, कुछ पौधों को बोलना कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सारे गुण हैं, उनको अच्छा अच्छा बोलना, एप्रिशिएट करना, कुछ पौधों को गालियां देना कि तुम बहुत खराब हो, नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो। तो प्रोफेसर बोस लिख रहे हैं कि जिन पौधों को मैं रोज गाली देता था 6 महीने के बाद वो सब सूख गए, सब सूख गए।